तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का सीन कुछ ऐसा है, रात को हमारा रात को प्लान बन गया घूमने का, और हमने सोचा कि उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं। तो रात को तो सॉरी गाइज, मैं व्लॉग नहीं बना पाया रात को, क्योंकि अंधेरा था, फिर मैंने ड्राइविंग भी करनी थी मेरे को, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी हम उत्तराखंड में एंटर कर चुके हैं, और मेरा मानना ये है अगर उत्तराखंड घूमने जाओ तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है अपना होता है हरिद्वार से, क्योंकि भाई साहब अगर हरिद्वार नहीं गए तो उत्तराखंड घूमने का कोई फ़ायदा नहीं। और मेरे साथ है ये मेरे सारे भाई, और अभी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो आगे का की जर्नी बताएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, बाकी तो अभी हरिद्वार में गंगा जी पे स्नान करेंगे और आगे बताते हैं कहाँ का हमारा प्लान बनता है, कहाँ हम जाएंगे। तो पहले तो हम अपने पहुँच गए हैं हरिद्वार, और अभी बढ़िया मत सा गंगा जी में स्नान करेंगे, फिर आगे की सोचेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। क्योंकि भाई अपना तो, हम तो वैसे भी हरियाणा से हैं, तो अपना सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है हरिद्वार। हरिद्वार हरियाणा वालों का सबसे फेवरेट प्लेस है। तो अभी गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, फिर घूमने की सोचेंगे कहाँ घूमा जाए कहाँ नहीं घूमा जाए। तो गाइस अभी चलते हैं अपना हर की पौड़ी गंगा जी में स्नान के लिए, और आप इंजॉय करो हरिद्वार की पहली एंट्री पे जो नज़ारा आता है, भाई साहब भोले शंकर जी की मूर्ति, इतना बढ़िया व्यू आता है यहाँ से भाई, देखो गाइस। अभी पहुंच चुके हैं गंगा में हमें, और अभी मार रहे हैं डुबकी। तो गाइस अभी हम हैं पेट्रोल पंप पे, और अभी यहाँ से अपनी गाड़ी में सीएनजी वगैरह फिलअप कराएंगे पूरी, और फिर यहाँ से निकलेंगे धनोल्टी के लिए। हमारा प्रोग्राम बना है धनोल्टी का, और धनोल्टी चल के दिखाते हैं भाई क्या क्या वहाँ के नज़ारे हैं। और गाइस ये देखो, इन घरों की खासियत ये है कि हर एक घर के अंदर लीची का पेड़ है, और ऐसे पूरे के पूरा पेड़ लदा हुआ है लीची। कैमरे में ढंग से दिख नहीं रही, लेकिन लीचियां ही लीचियां हैं, मतलब हर एक घर के अंदर, जितने भी घर, हर एक घर के अंदर पेड़ है, और पेड़ों पे इतनी लीचियां लदी हुई है ना भाई, बता नहीं सकता भाई, बहुत ख़तरनाक, मज़ा आ गया भाई देख के। तो ये देखो गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अपने पहाड़ों के मस्त मस्त व्यू। ये देखो गाइस, और बादल देखो गाइस कितने ख़तरनाक हो रखे हैं भाई साहब, बहुत ख़तरनाक। ये मसूरी धनोल्टी वाला रोड है, अब सीधा अपना चलेंगे धनोल्टी, और बादलों ने तो भाई ख़तरनाक, एक नंबर व्यू भाई। और ये देखो गाइस, पहाड़ों पे किनारे पे कितने बढ़िया बढ़िया रिजोर्ट टाइप कैफ़े टाइप का बना रखा है, और बांस के पेड़ भी लगे हुए थे भाई, अंत भाई ख़तरनाक, मज़ा आ गया भाई। तो गाइस ये देखो, यहाँ से बह रही है नदी, और अभी हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भाई बहुत देर से चले हुए थे, तो सोचा थोड़ी देर रुक लेते हैं, थोड़ा नज़ारे ले लेते हैं। और गाइस आप भी करो नज़ारों को इन्जॉय, ये फ्लैग्स बांध रखे हैं रंग बिरंगे भाई साहब, अंत।
मजा आ गया भाई। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं हाथी उड़ करके कोई जगह है, और यहाँ पे देखो इतना खतरनाक भी हो भाई। अभी बस पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 10-15 किलोमीटर रह गया भाई धनवल्टी, और उसके बाद वहाँ जाके देखते हैं रिसोर्ट वगैरह लेंगे। गाइज ये देखो अभी हम हाइट पे पहुंच चुके हैं, और ऋषिकेश वगैरह पार करके अभी देहरादून से ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत हाइट पे आ चुके हैं। और यहाँ के नज़ारे देखो भाई कितने खतरनाक हैं, रोड बड़े अच्छे हैं यहाँ के भाई, वैसा फील नहीं हो रहा कि हाँ भाई कुछ भी परेशानी नहीं है रोडों में, मतलब इतने क्लीन और क्लियर रोड है ना, कोई दचकी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बिल्कुल क्लियर। और गाय ये व्यू एंजॉय करो आप, कितना खतरनाक व्यू है भाई। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं धनवल्टी, और अब यहां से कोई लेंगे अच्छी सी रिजॉर्ट वगैरह, तो आगे चल के मिलते हैं आपसे। तो गाइज फाइनली हमें ये होटल मिला है जो कि एक रिजॉर्ट टाइप में है, इसमें बहुत बढ़िया नज़ारे हैं इसके भाई साहब, आप देखो कितना प्यारा बनाया हुआ है इन लोगों ने इसको। अभी रात के 8 बजने वाले हैं, और अभी हम हैं यहाँ धनवल्टी में, अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं भाई, अभी कुछ खाने के लिए जाएंगे, और रात का माहौल कुछ ऐसा है भाई, ठंड हो रही है बहुत तगड़े वाली। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज सपोर्ट करो हमारे चैनल को, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।